अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक हैं। अभी जो मैं मोबाइल आपको करके दिखाने लगा हूँ वो है iPhone 7। इसमें आई क्लाउड की आईडी लगी हुई है और ये 13.5 वर्जन है। आपके पास जो भी मोबाइल आए पहले आप उसका सॉफ्टवेयर का वर्जन चेक कर लें, उसके बाद उसका आई क्लाउड का बाईपास करें। अगर उसमें ऑलरेडी पुराना ओल्ड वर्जन है तो आप उसी को कर दें आई क्लाउड का बाईपास। ये अभी मेरे पास आया, इसमें 13.5 है और इसमें आई क्लाउड लगी हुई है। ये देखें, इसमें आई क्लाउड बाईपास है। ठीक है, सबसे पहले सेम हम एक USB लेंगे जो कम से कम 4 GB हो। इसको चेक करें, इनके न्यू वर्जन इसमें राइट कर लेना आपने 10.2, पुराना नहीं करना आपने, नया करना है 10.2। उसमें ये न्यू सब जितने न्यू वर्जन है मोबाइलों के उसमें सपोर्टेड है, पुराने में नहीं है। ये मेरे पास 10.2 पड़ी हुई है। पहले सबसे हम 10.2 सेलेक्ट करेंगे, ये चेक करा 10.2, ओके जी। उसके बाद ये स्टार्ट कर देंगे। ये हमारी USB राइट हो रही है। ठीक है जी, ये iPhone 7 है 13.5। USB भी रेडी हो गई है। मैं आपको दिखा दूं कि इसमें आई क्लाउड लगी हुई है। ठीक है जी, ये हमारी USB रेडी हो गई है। अभी हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे और बूट मेन्यू में लेके जाएंगे अपने कंप्यूटर को। सबसे पहले इसकी जेल ब्रेक करनी होती है। किसी भी मोबाइल का आई क्लाउड बाईपास करना है तो उसके सबसे पहले जेल ब्रेक होती है, उसके बाद उसका आई क्लाउड बाईपास होता है। ये अभी हम USB सेलेक्ट कर लेंगे, मोबाइल को साथ में कनेक्ट ही रहने देना, और उधर से हम USB सेलेक्ट करेंगे और उधर हमारा चक्रा चालू होगा 10.2। सेम 10.2 ही वर्जन करना है आपने भी। ये सब मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा इनका। ये देखें जी, ये iPhone 7 है, 13.5 वर्जन है इसका, चेकर का 10.2 है। अभी हम स्टार्ट करेंगे, ये रिकवरी मोड में आ जाएगा मोबाइल हमारा केबल मोड में। इसके बाद हम इसकी जेल ब्रेक करेंगे। देखिए जी, हमारा मोबाइल केबल मोड पे आ गए। ये देख ले कौन कौन सा बटन, साइड बटन और वॉल्यूम डाउन, ये दोनों से इसकी जेल ब्रेक हो गई है। बाद ये दोनों दबा के रखने हैं। अभी साइड बटन छोड़ देना और वॉल्यूम डाउन दबाए रखना।
वॉल्यूम डाउन आप उस टाइम तक दबाए रखें जब तक आपके मोबाइल पे एप्पल का लॉगो ना शो हो जाए। ये छोड़ दिया हमने, ये देखिए अभी हमारा मोबाइल जेल ब्रेक होना शुरू हो गया। जब उधर पूरा डन लिख के आ जाएगा तो फिर हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। ये हमारा मोबाइल जेल ब्रेक हो गया, लेकिन अभी इससे आईक्लाउड की आईडी नहीं गई, अभी ओनली ये जेल ब्रेक हुआ है। उधर भी डन हो गया, अभी हम रीस्टार्ट करते हैं। भी आईडी नहीं गई, अभी हम इसका आईक्लाउड बाईपास करेंगे। ये मैं सब फाइल का लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप उधर से डाउनलोड कर लें। अभी हम आईक्लाउड बाईपास टूल चालू करेंगे। टूल का लिंक भी मैं दे दूंगा, ये जितनी फाइल सपोर्टेड है सबका लिंक मैं दे दूंगा। ये भी हम टूल चालू करेंगे। अगर ये किसी में एरर आए तो उसको आपका एंटीवायरस ऑफ कर लें, नहीं तो उधर से अलो कर दें। देखिए अभी ये एरर दे रहा था, टूल रनिंग नहीं हो रहा था, ये मैंने अलो कर दिया। अभी ये रनिंग हो जाएगा, देखिए पहले रनिंग नहीं हो रहा था, अभी रनिंग हो गया हमारा टूल। ये भी सेकंड वाली ऑप्शन आपने दबा देनी है, 13.3 वाली, और मोबाइल कनेक्ट रहने देना है। जब आईडी शो हो जाएगी तो ये देखिए ऊपर आईडी शो हो गई है, अभी हमारा मोबाइल बाईपास हो रहा है। जब उधर डन लिख के आ जाएगा तो हमारा मोबाइल बाईपास हो गया। ये एरर किसी का भी दे तो आप अपना एंटीवायरस को क्लोज कर लें, नहीं तो उधर से अलो कर दें। थोड़ी देर वेट करना है आपने, अभी टूल रनिंग है, जब डन हो जाएगा, ये देखिए जी अभी डन हो गया। अभी हम अपने मोबाइल को
बैक करेंगे। ये देखें जी, हमारा मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हो गया, उधर टूल भी डन हो गया, इधर मोबाइल भी एक्टिव हो गया। ये देखें, बहुत सिंपल तरीका है। ये देखिए, अभी ये मैं इसको एक्टिव कर रहा हूँ। ये ले जी, ये हमारा मोबाइल एक्टिव हो गया, इसका आईक्लाउड बाईपास हो गया। ये वर्जन देख ले इसका 13.5, और ये टूल का सेम वर्जन मैं अपलोड कर दूंगा, आप वो डाउनलोड कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू।